पीछे सर पूछिए क्या शुरू हो गया। चोर है नेता प्रतिपक्ष इस समय रामवीर सिंह बिदोड़ी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे। ईडी की कार्रवाई इस मामले में शुरू हो गई है, आज 30 ठिकानों पर शराब कारोबारी जो हैं उन पर जो है छापेमारी की गई है, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी खुल करके सामने आ रही है और कह रही है कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला, ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मिला ही नहीं है? अरे आपने शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। आपने उन क्षेत्रों में जहां शराब के ठेके नहीं खोल सकते थे सैकड़ों करोड़ रुपया शराब के ठेकेदारों से लेकर रिहायशी क्षेत्रों में मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके शराब के ठेके खोल दिए। शराब के ठेकेदार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारा कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया, लेकिन जो उससे हमें कुल आय हुई आधा पैसा हमने अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के पास पहुंचा दिया। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है, इससे दिल्ली को हर साल 10,000 करोड़ रुपए की आय होने वाली है, वह आय घटकर 2,000 करोड़ रुपए कैसे रह गई? ये 8,000 करोड़ रुपया किसकी जेब में गया? अरविंद केजरीवाल जवाब दो। कल सीबीआई ने एक्सप्लेन किया कि जिस जितेंद्र कुमार की आत्महत्या की बात की जा रही है कि उन्होंने ये जो आत्महत्या की ताकि मेरे केस को लेकर के सीबीआई ने पूरा एक्सप्लेन किया। आज दोबारा से सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये इन्होंने जानबूझ करके जो है केस को भटकाने की कोशिश की है, वो आत्महत्या जो की गई वो सीबीआई का ही दबाव था, केंद्र सरकार का दबाव। शर्म आनी चाहिए कि किसी की मौत पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चल पड़े हैं। अपने को अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक व्यक्ति की मौत को जो है वो अपना हथियार बना रहे हैं। ये सीबीआई स्पष्ट कर चुकी है और तमाम चीज़ें उस जांच से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन चोर जो है वो चोरी पकड़ने के बाद किस किस तरह के हथकंडे करता है ये अपने आप में एक मिसाल है। सौरभ भारद्वाज ने आगे तो ये भी कह दिया कि अब ईडी की जांच शुरू हो गई है, तो क्या ईडी से भी कोई ऐसे ही आत्महत्या करेगा, किसी पे केस का दबाव बनाया जाएगा? देखिए जो भ्रष्टाचार करेगा, हम भ्रष्टाचारियों के सवालों के जवाब नहीं दे सकते, उनका एक ही हश्र है कि जेल के पीछे जाएंगे और जेल में चक्की पीसेंगे। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर जो विनय कुमार सक्सेना ने 48 घंटे का समय दिया है, जवाब मांगा है 5 आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उसको भी बीजेपी से जोड़ा जा रहा है कि बीजेपी एलजी के साथ मिलकर हम पर जो है ये काम कर रही है। कानूनी कार्रवाई से क्यों डरते हैं जब अपराध करते हैं? अगर आपने उपराज्यपाल का नाम लिया है तो अब आप क्यों डर रहे हैं? आपने अगर आरोप सही लगाया तो फिर क्यों डर रहे हैं? हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अजय महावर जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार बोल रही है कि बीजेपी अलग अलग आंकड़े पेश कर रही है, कभी 144 करोड़ कभी 1300 करोड़ कभी 500 करोड़, इसको लेकर क्या कहें? देखिए हमने अलग अलग आंकड़े पेश नहीं किए, आंकड़े तो वो अलग अलग बताते हैं। 144 करोड़ की जहाँ तक बात है, हमने ये कहा है 144.36 करोड़ रुपया आपने जो अपने यारों को दोस्तों को जो छूट दे दी है शराब ठेकेदारों को, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो वो 144.36 करोड़ है, एक ही फिगर है। 30 करोड़ अगर आपने अपने दोस्तों को विदाउट एनी कैबिनेट नोट के आपने रिफंड वापस कर दिया जो जब्त तो जानी चाहिए थी, वो एक ही फिगर है। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग आंकड़े हैं, उसको घालमेल ना करें केजरीवाल। और केजरीवाल ये बताएं, कट्टर बेईमान केजरीवाल ये बताएं, कट्टर बेईमान सरकार ये बताए कि जो सतेंद्र जैन के घर में करोड़ों का सोना मिला, करोड़ों का कैश मिला, 200 बीघा जमीन के कागज मिले, उस पर उनके मुंह पे ताले लगे हैं क्या? उन पर क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये बेईमान लोग हैं, ये होशियारी से सोचते हम छुपा लेंगे, छुपा नहीं पाएंगे। पहले ये कहते थे पहले रिजिग्नेशन तब इन्वेस्टिगेशन, आज तो इन्वेस्टिगेशन भी है, वो जेल में भी है, सिसोदिया पर भी FIR हो गई है, तो फिर ऐसी क्या राजदारी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, ऐसी क्या राजदारी है, ऐसा क्या डर है कि केजरीवाल इन राजदारों को अपने कैबिनेट से निकाल नहीं पा रहे हैं? जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, एक तरफ आप प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही थी एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ, अब एलजी ने कानूनी नोटिस जारी कर दिया है उन 5 नेताओं के खिलाफ, और उसका भी आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर एलजी जानबूझ करके जो है ये हमें फंसाने का काम कर रहा है। देखिए एक बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। पहले जब नोटिस सर्व हुए हैं, चाहे शीला दीक्षित हो, नितिन गडकरी जी हो, अरुण जेटली जी हो, सबसे माफी मांगी इन्होंने, माफी मांगी लिखित में,
तब ये छूटे हैं, नहीं ये जेल के अंदर होते। ये लोग फिर एलजी से भी माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनकी आदत है आरोप लगाओ और भाग जाओ, जब पकड़ में आ जाए तो माफ़ी मांग लो। इसीलिए दुनिया का एकमात्र मुख्यमंत्री है ये सबसे बड़ा, जिसने सबसे ज़्यादा माफ़ियाँ मांगी है अपने झूठे आरोपों के कारण। एक आखिरी सवाल, बीजेपी पिछले 2-3 महीने से आंदोलन कर रही है, सड़कों पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ना बर्खास्त किया जा रहा है ना इस्तीफा लिया जा रहा है, तो कब तक ये आंदोलन आखिरकार चलता रहेगा दिल्ली में? नहीं, आंदोलन रंग ला रहा है, आंदोलन के कारण ही पिछले 11 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दशहरा पे भजनपुरा चौक पर मैंने नई शराब नीति का पुतला दहन किया था रावण रूपी, तो तब से हमारा 11 महीने से चल रहा है। और वही दबाव है कि सत्येंद्र जैन आज अंदर है, वही दबाव है कि सरकार को अपनी नई शराब नीति को वापस लेना पड़ेगा। और मैं आप फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल को इन्हें बर्खास्त करना पड़ेगा, सिसोदिया जेल जाएंगे और ये कट्टर बेईमान सरकार टिकने वाली नहीं है। सीबीआई जांच के बारे में क्या कहेंगे? झूठे व्यक्ति हैं, और सीबीआई ने अगर लॉकर में जांच की वहां नहीं मिला तो क्या कहीं आरोपी होने से बंद कर दिया? बाद में सीबीआई ने हमें क्लीन चिट दी है, सीबीआई ने कहा क्लीन चिट दी है, सीबीआई ने दोबारा बताया भी, सीबीआई ने क्लियर किया हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर लॉकर में कुछ नहीं मिला। ये खुद ही अपने को क्लीन चिट बोल रहे, लेकिन इसका मतलब ये तो ना दोषी मुक्त हो गए। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में जाएंगे, झूठे लोग हैं ये, दिल्ली को ठगा, दिल्ली को लूटा, दिल्ली को भ्रष्टाचार की दिल्ली बनाया, शराब बहाई यहाँ, तो ऐसे लोग अंदर जाएंगे। क्या करें आप? मनीष सिसोदिया कहते हैं कि अभी तक उनके घर तो कोई ईडी पहुंची नहीं है, बाकी लोकेशन में चल रहा है। देखिए जब मिलेगा भी नहीं कुछ। देखिए सरकारी महकमे अपने ढंग से काम करते हैं, दिल्ली पुलिस अपने ढंग से काम करती है, सीआईबी अपने, सीबीआई अपने ढंग से काम करती है, ईडी अपने ढंग से काम करती है, वो क्यों नहीं गए तो उनके अफसर बता पाएंगे, हम राजनीतिक दल थोड़े ना बता पाएंगे क्यों नहीं गए। या तो केजरीवाल बता सकते हैं, जो इनको हर चीज़ का आभास रहता है, जिनको हर चीज़ की ये मालूम रहता है कि शायद हमें क्लीन चिट मिल गई, जिस समय वो अंदर जाएंगे तो उनको पता लगेगा क्लीन चिट नहीं भैया, दिल्ली में जो उन्होंने पाप किए उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी उन्हें। केजरीवाल तो कह रहा फंसाने की कोशिश की जा रही है, सीबीआई के ऊपर दबाव बना है। देखिए जितने भी ये सरकारी तंत्र हैं, जितने भी ये सारी कारी महकमे हैं, ये हमारे निर्देशानुसार नहीं चलते, ये लोग अपने आप स्वतंत्र हैं, ये अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। इस प्रकार की बातें करके दिल्ली को गुमराह किया, हमें भी 10 महीने लगे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, और आज आप सभी लोगों ने मिलकर ये कहा कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ। जब किसी एक दलाल ने, एक ठेकेदार ने ये बताया कि 12% क्यों बढ़ाए गए, इसलिए बढ़ाए गए कि 6% उनको मिले, और उस 6% किकबैक देने में 80% मुनाफा उनको मिलने वाला था। ये सबसे बड़ा एक कारण था जिसके डर के मारे उन्होंने अपनी ही नीति को वापस लिया कि भैया इससे पहले कि सभी लोग अंदर जाए इस नीति को वापस ले लो, लेकिन जो गुनाह हो चुका उस गुनाह की सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। देखिए उनका स्टिंग ऑपरेशन तो स्टिंग ऑपरेशन, अगर कोई और व्यक्ति स्टिंग ऑपरेशन करते तो मजाक। उन्होंने स्वयं कहा था कि दिल्ली का एक एक नागरिक स्वतंत्र है, कैमरा लेकर के जाए और कुछ भी ऐसा घटना होती है तो हमें बताएंगे तो हम उसके ऊपर जांच करेंगे। अब आपको पूछना चाहिए जाके उनके उनसे कि ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो क्या आप इस्तीफा देंगे, क्या कोई जांच की मांग करेंगे? भ्रष्टाचार हुआ वो साबित नहीं कर पा रहे कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जिस समय सीबीआई और ईडी इनको अंदर करेंगी तब पता लगेगा इनको कि भ्रष्टाचार कितना हुआ। कल के स्टिंग के बाद जब शराब माफिया ने भी खुलेआम ये स्वीकार कर लिया कि जितनी कमीशन हमें दी जाती थी उसका आधा जो है वो केजरीवाल सरकार को रिश्वत के रूप में दिया जाता था, और पूरी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से गली मोहल्ले के अंदर हमारे बच्चों के स्कूल के पास, हमारे मंदिर के पास, हमारे गुरुद्वारे के पास जिस प्रकार से शराब की दुकानें खोली गई थी, और जिस शराब नीति को देश की सबसे अच्छी शराब नीति ब्रिटिश सरकार ने बताया था, और उसी शराब नीति को इस ब्रिटिश सरकार ने बिना कुछ बताए वापस ले लिया, और इनका हजारों करोड़ रुपए का घोटाला